हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वही सामने है टीवीएस राइडर 125 2023 का लेटेस्ट एडिशन, जो कि E20 पेट्रोल के साथ लॉन्च हुई है। अगर बात करें भाई इसकी फीचर की, भाई काफ़ी शानदार फीचर दिए गए हैं इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक बार मैं यहां से कन्फर्म कर देता हूं कि भाई E20 पेट्रोल भी मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कोई दूसरा दिखा रहा हूं। लेकिन हां भाई, कलर सेगमेंट की बात करोगे तो जो आपको ये येलो देखने को मिलती है या रेड देखने को मिलती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ दिखती है, काफ़ी बेहतरीन लगती है। अभी बात करते हैं इसका ऑन रोड प्राइस, जिसे 2023 में लॉन्च हुई है, 2022 में लॉन्च हुई है, लेकिन इसका E20 पेट्रोल वाला आ गया तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव भी किए गए हैं प्राइस में, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले भाई एक बार इसका थम भी इसका डिज़ाइन दिखाता हूं भाई, इसका DRL दिखाता हूं, क्योंकि DRL पे ही तो लोग मर रहे हैं इस पे। इसका DRL और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही फेमस है भाई। ये देखो भाई DRL काफ़ी स्मार्ट लुक के साथ यहाँ पे DRL देखने को मिलता है। यहाँ पे लो बीम, बाकी दोनों हाई बीम का काम करती हैं। यहाँ से स्टीकर की बात करूँ, स्टीकर और ये अपना नंबर प्लेट, यहाँ पे TVS का लोगो, बाकी यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। काफ़ी स्मार्ट इंडिकेटर देखते हैं दोनों, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और इसमें आपको कलर की बात करोगे तो ब्लैक ग्लॉसी रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला भी वीडियो शूट हो गया, वो आप देख सकते हो, उसका प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करोगे, फ्रंट आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे टायर मड क्लिप की बात करोगे, ग्लॉसी रेड और ये आपको मैट ब्लैक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करोगे तो यहाँ पे 17 इंच के व्हील देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। और एक बार यहाँ से डिस्क की बात करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क देख सकते हो, आप काफ़ी स्मार्ट डिस्क देखने को मिलता है। डिस्क साइज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप सामने से देख पाओगे। लेकिन आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिलेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने का, क्योंकि सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम है, आप उससे काफ़ी अच्छा सा ब्रेकिंग इसको परफॉर्म कर देता है। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न दिया गया है तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे इंजन गार्ड की तो इंजन गार्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी ये है इसका इंजन 2023 का नया वाला इंजन, तो इसमें पावर की बात करो 11.38 PS की पावर 7500 RPM पे। टॉर्क की बात करोगे 11.2 NM का इसका टॉर्क देखने को मिल जाएगा, तो टॉर्क और सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन होने वाली हैं। अगर बात करें इसका टैंक, आप देखोगे टैंक पर आपको इस साइड भी हॉर्स देखने को मिल जाएगा और आपको इस साइड भी हॉर्स देखने को मिलेगा, तो भाई हॉर्स घोड़ा जो देखने को मिलेगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। अगर टैंक बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टैंक की बात कर लेता हूँ, तो टैंक पे ही आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, आप अपने मोबाइल को इजीली से चार्ज कर सकते हो, नो डाउट काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। टैंक पे बात करोगे तो आई थिंक माइलेज की आपको 57 से लेकर 60 माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर इसका माइलेज टेस्ट वाली वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, अपने चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे रेड और आपको ब्लैक का प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, ये रगड़ प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, ये आप मैं फोकस करता हूँ, ये देखो रगड़ वाली फोकस। बाकी सबसे मेन हाईलाइट है भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पे आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई काफ़ी स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रहा है भाई TVS, फुल्ली डिजिटल कलरफुल डिस्प्ले भाई दे रहा है, जहाँ पर आपको RPM, न्यूट्रल, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, टाइमिंग, सारे इको मोड, पावर मोड यहाँ से बदल सकते हो, इको मोड पावर मोड। अगर आपको बेहतरीन माइलेज चाहिए तो इको मोड में चलाइए, बाकी पावर मोड में आप कर सकते हो। जहाँ पे इनिशियल आपको पिकअप चाहिए, इनिशियल थ्रॉटल चाहिए तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये इसका सिंगल हॉर्न, एक बार इसका हॉर्न सुनाते हैं, काफ़ी तगड़ा हॉर्न देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से अपना पास का बटन देखने को, येलो वाला, यहाँ से लो बीम हाई बीम का, ये अपना देखने को मिल जाएगा। इसका मिरर भी काफ़ी बेहतरीन है। बाकी इसका सीटिंग हैंडल की बात करूँ, हैंडल भाई नो डाउट काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे चलता हूँ इसका सीटिंग कंफर्ट पे, अंडर सीट यहाँ पे पीछे वाले में अंडर सीट आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया, जो कि इसका फर्स्ट किट यहाँ पे दिया गया इसमें। और ये अपना स्प्लिट सीट देखने को मिल रहा है, स्प्लिट वाला सीट, इसका एक आपको सिंगल सीटिंग आता है जो कि यहाँ पे कटा नहीं रहेगा, वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा, वो उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो 3 लोग आप डेली ट्रैवल करते हैं, ऐसा वाली चीज़ें। बाकी यहाँ पे राइडर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे साइड इंजन कटअप आपको मैं दिखाऊँ तो ये अपना साइड इंजन कटअप देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा यहाँ से, और ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। सीटिंग की कुशन की बात करोगे तो मैंने भाई, मेरे घर में एक और है TVS राइडर, एक अपाची है, तो भाई कोई शिकायत है नहीं इससे, TVS राइडर से काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। और अगर बात करें इसका ग्रेवियल की तो ये भाई ग्रेवियल काफ़ी स्मार्ट लगता है, क्योंकि स्प्लिट ग्रेवियल देखने को नहीं मिलेगा, कनेक्टेड ग्रेवियल देखने को मिलता है काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ। तो पावर मैंने बता दिया, ये है इसका एग्जॉस्ट, काफ़ी बेहतरीन थंबी सा
इसका एग्जॉस्ट आता है, उससे पहले मैं दिखाऊं इसका ये अपना फुट रेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये आप देख सकते हो क्रोम की फिनिश के साथ ये काफी बेहतरीन तरीके से दिखती है। बाकी ये अपना एग्जॉस्ट, अब क्या करते हैं यहाँ से राइडर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक बार, इसका क्या करते हैं एग्जॉस्ट सुनाते हैं, यहाँ से सेल्फ मारते हैं नॉर्मल। ये इसका एग्जॉस्ट इंजन में दिखाता हूँ, एक बार इसको एक्सीलेट करता हूँ तो भाई काफी बेहतरीन तरीके से काफी स्मार्ट लुक के साथ काफी शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको टेल लाइट देखने को मिल जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से टेल लाइट दी गई हैं। बाकी ये अपना सारी चीज मैंने बता दिया, नंबर प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नंबर प्लेट, और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा इस साइड से और इस साइड से भी रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल मैं रियर का बताऊँ तो 190/17 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। व्हील कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें मैंने बात किया था सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी मोनोशॉक ऑब्जर्वर यहाँ पे मिलेगा जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल है, तो कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन होने वाला है इसमें। और ये साइड की बात करें तो लेडीज़ साड़ी गार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हो काफ़ी स्मार्ट लुक के साथ। अगर बात करें इसका मैंने बता दिया प्राइस, माइलेज सब कुछ बता दिया, शायद प्राइस भूल रहा था, प्राइस की बात करोगे तो भाई इसका विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर है 1,13,600 ऑन रोड मिल जाएगा अभिजीत मोटर खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला लोगे तो 1,23,000 का समथिंग आ जाएगा जो कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये वाला विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लीजिए, लेकिन आपका जो भी मन कहे भाई वो ले सकते हैं। तो ये था आज के लिए वीडियो, उससे पहले मैं एक चीज़ बोल रहा था भाई, इसका लेंथ और हाइट की बात करूँ तो इसका लेंथ की बात करोगे भाई तो 2070 mm का इसका लेंथ है, और हाइट की बात करूँ 1,028 mm इसका हाइट है, और चौड़ाई की बात को 785 mm इसका चौड़ाई है। तो ये था इसका ओवरऑल कंप्लीट लुक कंप्लीट फीचर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, गाड़ी पसंद आई तो भाई वीडियो को करना लाइक और कमेंट कर देना ये गाड़ी कैसी लगी। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहो मचाते रहो। और कोई भी बाइक आपको लेना TVS रिलेटेड, सारी बाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैं बाहर से उस वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, TVS का हर प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो कॉन्टैक्ट करना ना भूलें।